सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं की बड़ी जीत। पहली बार हिंदुओं के हक में हुई बात। अब हिंदुओं के साथ नहीं होगा सौतेला व्यवहार। देर आए पर दुरुस्त आए। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते 70 सालों से हिंदुओं के साथ जो सौतेला व्यवहार होता आ रहा है वो अब नहीं होगा। जी हाँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि पहले भी ये कहा जा चुका है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर जस्टिस यूयू ललित और रविन्द्र भट्ट की पीठ ने सुनवाई की है। इस याचिका में राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के निर्धारण को चुनौती दी गई। अब सितंबर के पहले सप्ताह में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। 1993 की एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया था। अब इसी अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और याचिका में इसे जिले स्तर पर तय किए जाने की मांग की गई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला या प्रखंड स्तर पर अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन राज्य स्तर पर करने की बात कह चुका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सबूत लेकर आने को भी कहा है, जिससे ये पता चले कि किन राज्यों में जनसंख्या कम होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही एक दूसरी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने भी 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा और इसके तहत फायदे देने की मांग की है, लेकिन इस पर कोर्ट ने सबूत की मांग की है और कहा है कि आप ये साबित करें कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में ये बताया है कि लद्दाख में जहाँ 1% हिंदू है, मिजोरम में 2.75% है, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो वहाँ 2.77% है, कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 4% है, वहीं नागालैंड में 8.74% है, मेघालय में अगर बात करें तो वहाँ 11.52% की संख्या हिंदुओं की है, अरुणाचल प्रदेश में 29% है, पंजाब में 38.49% है और मणिपुर में 41.29% हिंदू है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि अल्पसंख्यक देश में है कौन, क्या है पूरा मामला, इसको लेकर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ ही अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने विस्तार से बताया। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है और क्या मांग उनके तरफ से की गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है जो 1992 में कांग्रेस ने बनाया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है 2004 में कांग्रेस ने बनाया था उसको भी चैलेंज किया हुआ है। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। संविधान में एक बार माइनॉरिटी शब्द आया है आर्टिकल 30 में, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। हमारे पास आज की डेट में माइनॉरिटी अफर्मिस्टी भी है, माइनॉरिटी कमीशन भी है, केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन है, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन है, केंद्र में माइनॉरिटी अफर्मिस्टी है, राज्यों में माइनॉरिटी अफर्मिस्टी है, केंद्र भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, राज्य भी सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये किसी को नहीं पता। सब कुछ बन गया, सब कुछ पैसा भी जा रहा है, लेकिन कौन है माइनॉरिटी, 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला है ये नहीं पता। माइनॉरिटी की पहचान राज्य के स्तर पे होगी, राष्ट्रीय स्तर पे होगी या जिले के स्तर पे होगी ये नहीं पता। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी आया था उसकी बैकग्राउंड आप समझिए, बैकग्राउंड क्या थी, क्यों आया। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, वहां बड़ी मारकाट मची हुई थी, भारत में बहुत गुस्सा था क्योंकि हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहां से मार मार के ट्रेनों में भर भर के भेजा जा रहा था। तो जो लोग यहां पे थे, उदाहरण के लिए मौलाना कलाम, रफी अहमद किदवई और भी कुछ थे मुस्लिम्स जो संविधान सभा में थे, जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने ये बोला कि साहब देखो यहां पे 90% हिंदू हैं, सरकार बनेगी जो स्वाभाविक सी बात है हिंदुओं की बनेगी, हिंदुओं के लिए बनेगी, तो जो हिंदू चाहेंगे वही सब होगा। लोगों में गुस्सा है, हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि हमें अपना कुरान पढ़ने से मना कर दिया जाए, हमें अपनी बाइबल पढ़ने से मना कर दिया जाए, हमें अपना रीति रिवाज मनाने से मना कर दिया जाए, हमें अपनी जो हमारी प्रथाएँ हैं उसको फॉलो करने से मना कर दिया जाए। तो इसलिए एक
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न आया, आर्टिकल 25 में कहा गया कि नहीं, आप लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया कि सबको अपने धार्मिक अधिकार है, यानी आप अपने मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते हैं, अपने चर्च में जाके अपना प्रेयर भी कर सकते हैं। आर्टिकल फिर 29 में आया कि भाई सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि जो भारत की माइनॉरिटी है उसको अपने स्कूल खोलने का राइट है। लेकिन अब अच्छी तरीके समझिए, माइनॉरिटी कौन होगा उस समय भी डिफाइन नहीं किया गया। बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एक 2002 में, TMA Pai केस उसको कहते हैं। उस TMA Pai केस में 11 जजों की बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं, माइनॉरिटी जो है वो राज्य के स्तर पे होगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा।